अझ बढी लगानी आउन सक्छ भन्ने मनसायबाट यो कार्यक्रमको आयोजना गर्दै गएको हो। यसमा सरकारको समर्थनता र सरकारको चासो कति हदसम्म छ भन्ने कुरा हामी नबुझौँ। यस्तै किसिमको आयोजनाहरू, यस्तै किसिमको एक्जिबिसनहरू भारतमा गर्दाखेरि अथवा दुबईमा गर्दाखेरि हवाई टिकट समेत दिएर बस्ने समेत दिएर बोलाउनुहुन्छ कि हाम्रो आयोज हाम्रो प्रदर्शनी हेर्न आउनुहोस्, लगानी गर्नुहोस्, व्यापार गर्नुहोस्, आउनुहोस् भन्ने बोलाउनुहुन्छ। जब त्यसरी व्यापार बढ्छ तर यहाँ हामीले इलेक्ट्रोटेक के हो भन्ने कुरा अझसम्म हाम्रो सरकारी निकायले थाहा छैन राम्रोसँग। मन्त्रीजीले भर्खर थाहा भइरहेछ, उहाँलाई राम्रो ब्रिफ पनि भएन होला सायद, थाहा हुनुपर्छ, त्यो थाहा हुनुपर्ने हो तर ब्रिफ हुन सकेन पनि होला। के भन्नु खोजेको भने विद्युतीय सामग्री भनेको चाहिँ विद्युत उत्पादनदेखि लिएर तपाईँको उपभोक्तासम्म जाँदाखेरि जति पनि तपाईँ चलाउनुहुन्छ, जेनेरेसन टु डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्समिसन र घरसम्म पुग्दाखेरि तपाईँले मोबाइल चलाउनुहुन्छ, टेलिभिजन चलाउनुहुन्छ, हरेक हम लोग इन्डियामा लार्जेस्ट म्यानुफ्याक्चरर हैं मिल्टर्स के, स्विचगियर्स में लाइटिंग और वायर्स एंड केबल्स का मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी 7 फैक्ट्रीज हैं एंड काफी बड़ा उद्योग है। और ये जो इलेक्ट्रोटेक है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर मैन्युफैक्चरर्स लाइक अस एंड देयर आर लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स आई सी जो इंडिया से आए हैं, जहां पे वेरियस डीलर्स मैन्युफैक्चरर्स जो पैनल बिल्डर्स हैं या जो भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से एसोसिएटेड हैं इन दिस कंट्री, हम सबको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है कनेक्ट होने के लिए। एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड कि थ्रू ए प्लेटफॉर्म लाइक इलेक्ट्रोटेक हम ये कंट्री में ग्रो करें। एज ए कंपनी वी आर लुकिंग टू बी वेरी एग्रेसिव एंड वेरी लार्ज इन ए कंट्री लाइक